ml 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है या 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से 24 कैरेट। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको भी लगाना आप ना भूलें, और बार बार जो है आप अदल बदल के दवाई यूज करें। कोई भी दवाई आपको, कोई भी अच्छी दवाई यदि हाथ लग जाती है तो उसका ये ही नहीं कि बार बार उसको यूज करें। जितनी जल्दी उसने काम शुरू करना किया है उतनी जल्दी फिर उसका काम खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दवाई बार बार लगाने से उसकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसमें रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दवाई लगाएं, अदल बदल के लगाएं। इसीलिए मैंने 3-4 दवाइयाँ आपको बताई हैं कि एक बार आपको प्रीडेक्ट लगाना है, एक बार आपको स्टफ लगाना है, है नी, एक बार आपको बोंड लगाना है। सेम वे में इंसेक्टिसाइड की बात करें, एक बार में आपको टाइफोन लगाना है, एक बार में आपको तम्मा लगाना है, और एक बार को आपको इमीडा क्लोपीड हाई मीडा लगाना है। अदल बदल के आप दवाइयों का इस्तेमाल करते रहें तो मैं समझता हूँ आपकी फसल अच्छी होगी। अच्छी होगी तो आप किसान भी खुशहाल रहेगा और सबके लिए अच्छा होगा। देश का यदि किसान खुशहाल है तो समझ लो पूरा देश खुशहाल है, यदि किसान ही खुशहाल नहीं है तो समझ लो पूरा देश जो है नीचे की तरफ गड्ढे में जा रहा है। आप लोग प्रोडक्ट कौन सा तो हाई स्टार प्रोडक्ट आता है, वो दीमक के लिए है। हाँ, बाइफेंट्रिन है, और जो है वो दीमक के लिए है। मच्छर भुनका में भी काम करता है, मच्छर में भी भुनका में भी। लेकिन आज के टाइम में और नई आधुनिक दवाइयाँ आ गई मच्छर भुनके के लिए, अपनी मैंने जैसे आपको यही बताया टाइफोन या राइस भी उसी तरह का काम करती है, लेकिन उसको भी लगा सकते हैं। तम्बा, हाँ, तम्बा भी जैसे आपको बताया दवाई आती है।